हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक वेलकम टू वीडियो खजाना इस वीडियो खजाने चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है सो so फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने हमारा वीडियो खजाना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले फ्रेंड्स इस वीडियो खजाने चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले टाइम पर आपको एजुकेशनल वीडियो मोटिवेशनल वीडियो टेक्निकल वीडियो जर्नी वीडियो एंड किचन रेसिपी वीडियोस एन टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ एन नंबर ऑफ वीडियोस ऑफ सिलेक्टेड वीडियोस आपको टाइम पर डिलीवर होते रहेंगे और हाँ दोस्तों बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा क्योंकि जब भी अगर आप बेल आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपको हमारे न्यूली अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट मैथ क्लास टेन चैप्टर सिक्स ट्राइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नाउ डिस्कस सो फ्रेंड्स टू फिगर्स आर सेट टू बी सिमिलर व्हेन दे हैव द सेम शेप बट इट में डिफर इन साइज कोई भी शेप को हम सेम या सिमिलर कह सकते हैं अगर उसकी शेप सेम हो और साइज में अगर थोड़ा छोटा या बड़ा हो तो चल सकता है लेकिन हम शेप के बेसिस पर उसको सिमिलर कह सकते हैं जैसे कि ये छोटा ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल और सर्कल छोटा है बड़ा है स्क्वायर उसी प्रकार से सो फ्रेंड्स कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द फिगर्स टू फिगर्स आर सेट बी द कॉन्ग्रुएंट वेन दे हैव द सेम शेप एंड द सेम साइज सो फ्रेंड्स यहां बहुत क्लियरली मैं अगर कोई भी दो फिगर की हम बात करें चाहे वो सर्कल हो ट्राइंगल हो पॉलीगोन हो अगर उनकी शेप सेम है और साइज भी सेम सेम होना बहुत जरूरी है तभी वो कॉन्ग्रट फिगर कहलाएगा Actually, note number one, all the congruent figures are always similar, where similar figures are not necessarily congruent. Truth. Second point, the two polygons of the same numbers of sides are similar when their corresponding angles are equal, when their corresponding sides are in same ratio or proportion. चलिए हम आगे बढ़ते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स टू ट्राइंगल्स आर इक्वल एंड रेशियो बिटवीन द लेंथ करस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल एग्जाम्पल हमने नीचे दिया हुआ है ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर द एंगल ए एंड एंगल पी इज इक्वल एंगल बी एंड एंगल क्यू इज इक्वल angle C and angle R is equal. So friends, AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR. It means then the triangle ABC similar to the triangle PQR where the symbol this is read is similar to. Conversely, if triangle ABC is similar to a triangle PQR then

parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in a distinct point then the other two sides are divided in the same ratio friends triangle a b c or d or e k point per do d is the midpoint e is the midpoint do distinct point so means a d upon b e is equal to a e upon c e converse of the है, वो उसको कर रही है ए और सी में ई e जो पॉइंट है उसको इक्वली डिवाइड कर रही है तो डी और ई e जो है वो बी और सी की पैरल है so friends ad upon be is equal to ae upon ce then on this condition the de parallel to bc actually a criteria of a similarity of the triangles now the so first jo condition hai, that is triple a means angle angle and angle if in the two triangles that is pqr and abc here is the two triangle we have taken here now we see the properties of triple A. Corresponding angles are equal, number one point, and number two, their their corresponding sides are in the same ratio or they are proportional. Means angle P is equal to angle A, angle Q equal to angle B and angle R is equal to angle C and PQ upon A B is equal to QR upon B C equal to PR upon A C. Means a triangle PQR is a similar to the triangle.

चलिए हम ट्रिपल एस की कंडीशन को हम एक्सप्लेन करते हैं साइड साइड एंड साइड इफ इन टू ट्राइंगल द साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू दैट इज इन द सेम रेशियो टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल हैंड्स टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ये हमारी प्रॉपर्टी हुई ट्रिपल एस की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को हम जो डिस्कस करते हैं यहां पर एस ए एस मीन साइड एंगल साइड इफ इन टू क्यू आर एंड ए बी सी वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल ये इसकी सबसे फर्स्ट कंडीशन है सेकेंड कंडीशन द साइड इंक्लूडिंग दीज आर प्रपोर्शनल द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर सो so फ्रेंड्स बहुत क्लियरली हो चुका है कि पहला जो एंगल है दूसरे के एंगल से बराबर होगा और उसकी जो साइड जो इंक्लूडिंग है वो भी आपस में प्रोपोर्शनल है सो so फ्रेंड्स इस प्रकार से दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर होते हैं चलिए नेक्स्ट हम थ्योरम पढ़ते हैं थ्योरम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल ए द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स हमने दो सिमिलर ट्राइंगल लिए एंड पी क्यू आर सो फ्रेंड्स इन दोनों का जो एरिया है एरिया एरिया एंड अपॉन का होल स्क्वायर अपॉन का होल स्क्वायर एंड सी ए अपॉन आर पी का होल स्क्वायर सो फ्रेंड्स दिस इज टू एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स चलिए हम आगे बढ़ते हैं पाइथागोरस

सिमिलर टू द होल ट्राइंगल एंड टूर चलिए देखते हैं एक बार यह ट्राइंगल हमारा ए बी सी बी और डी हमने इसमें एक वोटेक्स ड्रॉन की है और बी हमारा जो है नाइनटी डिग्री का एंगल है और हाइपोटे दैट इज ए सी सो दाइंगल ऑन द बोथ साइड ऑफेंडिकुलर मीनपेंडिकुलर के लेफ्टुलर के राइट हैंड साइड वाले हम इन दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं are similar. To the whole triangle of A B C, chale triangle A D B similar to A B C, and B D C similar to A B C, and A D B similar to B D and C. Chali friends, next Pythagoras theorem in right triangle: the square of a hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides a right triangle bac in angle in which angle a is equal to 90 degree so friends according to given condition bc the whole square is equal to ab whole square plus ac whole square this is the pythagoras theorem converse of the pythagoras theorem is in the triangle if square of one side is equal to the sum of the squares

is bc चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं हमारी लास्ट प्रॉपर्टीज है दैट इज राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड rhs प्रिंसिपल इफ द हाइपोटेनियस एंड वन पेयर ऑफ कोरिस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल देन द टू राइट एंगल ट्रायंगल आर कोंगग्रुएंट सो फ्रेंड्स इसको हमने डायग्राम से शो किया हुआ है That is PQR and ABC. Q is the 90 degree, B is the 90 degree angle, and the PR is similar to AC, and QR is similar to BC. So friends, 90 degree can the agar pair of corresponding sides agar equal hai. So friends, the triangles are congruent. फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टॉप राइट कॉर्नर पे जो स्क्रीन शॉट है इसको हम एंड स्क्रीन बोलते हैं इसमें आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज के जो वीडियो है उसके लिंक्स अवेलेबल है यहां पर और नीचे वाले में अगर आप बैक में वीडियो देखना चाहते हैं तो बैक का लिंक अवेलेबल रहेगा इस वाले में और लेफ्ट में जो आपके पास है जो वीडियो खजाने का लिंक है इसके अंदर अब जितने भी वीडियो 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 तक तक जब से वीडियो जब से 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 खजाना चैनल डिजाइन किया है तब तो आज तक के अप, अपडेटेड एजुकेशनल टेक्निकल वीडियो, वीडियो यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे सो so फ्रेंड्स एंड तक जरूर देखिएगा सब्जेक्ट मैथ क्लास टेन चैप्टर सिक्स ट्राइंग एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर टू question number two in figure triangle o d c similar to o b a angle b o c is equal to that is 125 degree and angle c d o is equal to 70 degree find the angle d o c and d c o and o बी एंगल ये हमें फाइंड आउट करने हैं फ्रेंड्स चलिए सॉल्यूशन की तरह हम आगे बढ़ते हैं इसको निकालने के लिए डायग्राम हमें गिवन है क्वेश्चन के द द सॉल्यूशन इज इज हियर इन फ्रंट ऑफ योर राइट राइट ओवर स्क्रीन नाउ स्ट्रेट लाइन सो फ्रेंड्स एंगल डी प्लस 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन के अंदर जो भी एंगल्स होते हैं उनका सबका सम 180 डिग्री होता है डेफिनेटली so, फ्रेंड्स हम सबसे पहले जो डी वाला जो एंगल है उसको हम निकालते हैं एंगल्टी फाइव दैट इज फिफ्टी फाइव डिग्री डी ओ सी इज इक्वल टू वन एटी डिग्री द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ओ डी सी इज इक्वल टू वन एटी डिग्री फ्रेंड्स हमने इसी डायग्राम को नीचे पेस्ट किया हुआ है ताकि हम आगे की जो स्टेप्स है उसको अच्छे से समझ सके DCO, DCO, अब हम यहाँ पर एंगल ओ बहुत आसानी से निकाल सकते हैं फ्रेंड्स तो एंगल डी ओ सीज इक्वल टू वन एटी माइनस वन ट्वेंटी अगेन नेक्स्ट चलते हैं हम नाउ इट इज गिवन दैट ओ डी सी इज सिमिलर टू नाउ इट इज गिवन दैट ओ डी सी ट्राइंगल सिमिलर टू ओ बी ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्वेश्चन में गिवन है तो स्टेप हमारी ये होती है ओ सी डी इज इक्वल टू ओ ए बी एंड अगेन ओ ए बी इज इक्वल टू ओ सी डी फ्रेंड्स डायग्राम थोड़ा नीचे है इसलिए स्टेप्स को आप एक बार समझ लें उसको आप डायग्राम uh, के साथ correlate करें, steps को रिलेट करें स्टेप्स को देन ओ सी डी इज इक्वल टू एंगल डी सी ओज इक्वल टू फिफ्टी फाइव एंड फाइनली ओ ए बी इज इक्वल टू फिफ्टी फाइव सो फ्रेंड्स हमने सभी एंगल्स को फाइंड आउट कर लिया है बहुत ईजिली ंगल डी ओ सी दैट इज फिफ्टी फाइव एंड डी सी टू एंगल फिफ्टी फाइव एंड ओ ए बी इज ऑल्सो फिफ्टी फाइव डिग्री थ्री एंगल चलिए फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो खजाने के माध्यम से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन अगर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया हो तो फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो खजाने चैनल को लाइक करें डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर सो फ्रेंड्स डोंट गो अवे स्टे ट्यून अस वी विल गेट बैक टू नेक्स्ट वीडियो सो टिल देन कीप वाचिंग कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग थैंक्स फॉर वाचिंग गुड बाय